हेयरिंग लॉस अब इसमें बच्चों को जब हेरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं हेरिंग एम्पेयरमेंट जो है उसकी वजह से प्रॉपर बच्चे जो है अब सुन नहीं सकते अब हेरिंग की भी लेवल्स हैं कोई माइल्ड हेरिंग लॉस होता है कोई मॉडरेट होता है कोई स्वेयर है तो अब उस उसकी उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर्स जो हैं स्कूल्स के अंदर प्लान करते हैं कि बच्चों को किस तरह से इनको इंस्ट्रक्शन जो हैं वो प्रॉपर फॉलो करानी है या उनको देनी है जब जिसका हेयरिंग लॉस होगा वो ऑब्वियसली आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सुन नहीं सकता प्रॉपरली तो फिर उसके लिए हेरिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं इसके अलावा इसकी अगर हम देखें हेरिंग लॉस जो है तो होता क्या है डिलेड लैंग्वेज होती है इसमें और लिटरेसी स्किल्स हैं रिटर्न और औरल जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोलने में भी उनको प्रॉब्लम है तो इसलिए डेफ एंड डम जो है वो हम टर्म यूज़ करते हैं ऐसे बच्चों के लिए भी स्पेशल स्कूल्स हैं Uh, सुनने की वजह से कम सुनने की वजह से और प्रॉपर ना सुनने की वजह से उनको लैंग्वेज सीखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बोलने में भी प्रॉब्लम जो है uh, महसूस करते हैं फिर उसके बाद बाजुकात पार्शल होती है कि हम इनको समझाने के लिए रीड uh, लिप्स जिसको हम कहते हैं कि लिप लैंग्वेज जो है उसके साथ हम उनको सिखाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं अगर आवाज़ का उनको इशू है सुनने का तो इस तरह लिप रीडिंग जो है ये भी एक स्किल बच्चों के सामने रिपीट की जाती है जिससे वो भी सीखते हैं फिर साइन लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफ़ एंड डाम बच्चे जो हैं अगर उनको आप साइन लैंग्वेज के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको सिखाई जाती है जिसके साथ वो अपनी बात आपको समझा भी सकते हैं और आपकी बात को भी समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं अब देखें अगर हेयरिंग लॉस है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी इंटेलिजेंस कम है इंटेलिजेंस का इशू यहाँ पर नहीं आ रहा सिर्फ उनकी जो सेंसरी इंपेयरमेंट है वो आ रही है सामने तो सेंसरी इंपेयरमेंट के साथ अगर इंटेलिजेंस उनकी है तो ये एजुकेशन के लेवल जो है ये कम्प्लीट कर सकते हैं लेकिन चूँकि ये आम बच्चों के साथ इनकी एजुकेशन नहीं हो सकती तो स्पेशल स्कूल्स में इनको एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जा सकती हैं और ये एजुकेशन प्रॉपर उस साइन लैंग्वेज के थ्रू जो है आ, इनको हेल्प की जाती है और आ, ये काफ़ी उसमें अच्छी इम्प्रूमेंट शो करते हैं फिर उसके बाद डायलॉग और डिलेड लिटरेसी है लेस वर्ल्डली नॉलेज जो है इनके लिए होना चाहिए आ, क्योंकि इनका आवाज़ का इशू है तो हम इनको औरल जो है वो टीच नहीं कर सकते बल्कि साइन लैंग्वेज इनके लिए बेस्ट स्ट्रैटी है फिर उसके बाद टेंडेंसी टू सोशल आइसोलेशन इन में जो मसला आता है हेरिंग लॉस के साथ कि वो जब बेचारे एडजस्ट नहीं कर सकते दूसरों के साथ तो फिर आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको मुख्तफ़ नामों से बुलाते हैं तो उन मुख्त नामों की वजह से ये बच्चे जो हैं ये सोसाइटी को फेस करना जो है वो आ, उसमें मुश्किल पेश कर, आती है इनको और ये ज़्यादातर जो है आ, अपनी ज़ात में गुम रहना शुरू हो जाते हैं और लोगों के साथ जो है वो इनकी सोशल आइसोलेशन की रीज़न जो है वो सोसाइटी की इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है और दे वन सोसाइटी विल मेक फन ऑफ देम देन दे विल मेक दैम मोर आइसोलेट तो इस आइसोलेशन की रीज़न जो है वो टीचर्स को और पेरेंट्स को पता होनी चाहिए और उनको अपने बच्चों को के साथ ज़्यादा टाइम देना चाहिए और इनको सोसाइटी में मूव कराना चाहिए और साथ ही उसी साइन लैंग्वेज के साथ इनको स्किल सिखानी चाहिए एकेडमिक्स तो वो ले रहे हैं लेकिन कोई ना कोई हाथों से जिस स्किल को ये कर सकते हैं पेंटर बड़े अच्छे बनते हैं राइटर अच्छे बन सकते हैं इसके अलावा जो है हैंड uh, जो इनकी स्किल्स हैं उसके साथ ये कोई भी स्किल जो है आर्टिस्ट बन सकते हैं और uh, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपनी सोसाइटी का कार आमंद फ़र्द इनको बनाना है तो इनको स्किल्स सिखाइए बजाय अगर वो एजुकेशन हासिल करने के काबिल नहीं है तो उनको घर में यूज़लेस मत बिठाएं बल्कि उनको यूज़फुल बनाने के लिए मुख्तफ़ किस्म की वो स्किल्स जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पेंटिंग्स जो हैं वो उसके साथ अर्न करते हैं इसके अलावा हैंडी क्राफ्ट हैंडी क्राफ्ट के लिए ये वाले बच्चे बड़े अच्छा काम करते हैं और स्पेशल स्कूल्स में मैंने देखा वहाँ खाडीज़ लगी हुई हैं और खाडीज़ पे इन बच्चों को काम करवाया जाता है बड़े अच्छे अच्छे फन पारे इन्होंने तख्लीक़ किए फिर इनकी एग्जिबिशन्स लगवाई जाती है इन बच्चों की बनाई हुई चीज़ों की उससे भी इनकी बड़ी मोटिवेशन होती है इसके अलावा ये सिलाई कढ़ाई का, का काम बड़ा अच्छा करते हैं और इसी तरह से चूँकि हैंडी क्राफ्ट की बड़ी डिमांड है हमारी मार्केट में तो वो इनको सिखाया जा सकता है उसमें कैप्स हैं इसके अलावा छोटे छोटे किचन के जो बर्तन हैं उनको डेकोरेट करके इसके अलावा ड्राइंग रूम के लिए बहुत सारे चीज़ों को ये डेकोरेट करके बनाते हैं उससे ये मसरूफ़ भी रहते हैं स्किल्स भी सीखते हैं और माशरे का कार आमद फ़र्द भी बनते हैं तो इसलिए ये तमाम चीज़ें ऐसे बच्चों के लिए उनको फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन से बचाने के लिए हमेशा उनकी एजुकेशन स्किल बेस्ड जो है वो होनी चाहिए